हेलो, वेलकम टू लेट शन। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बात की थी केवीएस रिक्रूटमेंट की, कि अभी कोई रिक्रूटमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैंने बताया था कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है। एक्चुअली में क्या है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। अब कुछ टीचर्स के मन में ना डाउट रहता है कि हमें एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं देखो, इसमें दोनों ही बातें होती हैं, ठीक है। एक तो आप कहीं अच्छी प्राइवेट जगह पे मान लीजिए कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप उसे छोड़कर ना आए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर जैसे ही परमानेंट टीचर उस विद्यालय में आएगा, आपको उसी दिन रिलीव कर दिया जाता है, और आपका जो है फिर आप सोचते हो कि मतलब क्या किया जाए, अब कहाँ जाऊँ मैं। बीच सेशन अगर कर रहे हैं कहीं पर तो देखिए मत छोड़िएगा। बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि मैं वर्किंग हूँ, मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, उस स्कूल से मुझे कॉल आई। तो वो आपके पर्सनल मतलब पर्सनल डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं। अगर आप वेल टू डू हैं, सिर्फ केवीएस का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप पा सकते हैं ना। केवीएस का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और केवीएस में काम करना अपने आप में ही मतलब अलग है। तो एक ये तो रही बात। हाँ, दूसरा, अगर कोई बेरोजगार है, उसके पास बिल्कुल कोई जॉब है ही नहीं है, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगी कि उसे जो है जरूर देना चाहिए इंटरव्यू, और अगर उसे कॉल आती है कि हाँ यू आर सिलेक्टेड, तो उसे ज्वाइन भी कर लेना चाहिए। बट इस दिमाग के साथ कि कभी भी टीचर आ सकता है, और जिस दिन जो है उस पोस्ट पर परमानेंट टीचर आ जाएगा, आपको उसी दिन रिलीव होना पड़ेगा। मीन्स आप जो है वहां से हटा दिए जाओगे। तो ये आपको ध्यान मतलब देना है कि हाँ, अपने माइंड में ऐसा सेट करके चलना है। कुछ लोगों को लगता है कि मान लीजिए हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल पे, तो पूरा साल हमें कोई हटाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं, जैसे ही टीचर आएगा आपको जाना पड़ेगा। अब ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें परमानेंट टीचर आता ही नहीं है, आप पूरे साल के लिए सेव हो जाते हो, सिक्योर हो जाते हो, ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है? तो अभी जो है बाल वाटिका कुछ विद्यालय में ओपन की गई है। बाल वाटिका 2 भी है, बाल वाटिका 3 भी है ना। अभी तक इसकी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो उसमें वो डर नहीं रहता है कि कोई टीचर आकर के जो है आपको रिप्लेस कर देगा, आप कोई टीचर परमानेंट आएगा और आप फट जाओगे, ऐसा नहीं है। बाल वाटिका के टीचर की एक ऐसी पोस्ट है जिसमें जो है आप सिक्योर हो। इसकी सैलरी स्केल कितना है? इसका सैलरी स्केल है 21,500, मतलब 21,500 नॉर्मल स्टेशन के लिए, और एनईआर के लिए या हार्ड स्टेशन के लिए जो अलाउंस है इसका 5,000 एक्स्ट्रा है, वो है 26,500 बाल वाटिका के लिए, ठीक है। एक जिस पोस्ट पे कभी मतलब बीच सेशन कोई नहीं आएगा, वो है योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, उस पे कोई नहीं आएगा, बीच बीच सेशन कोई नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है नर्स की पोस्ट। योगा इंस्ट्रक्टर की भी सैलरी मेरे ख्याल से 21,500 ही होती है नॉर्मल स्टेशन पर, और हार्ड पर मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद है 26,500 होती है। उसके बाद जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी ऐसी ही पोस्ट है जो कि प्राइमरी से लेकर के 8 तक की क्लासेस लेते हैं, और उसमें जो है परमानेंट पोस्ट नहीं होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल ही रखे जाते हैं। कहीं पर डांस का है, डांस के भी रखे जाते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि कोई परमानेंट आएगा नहीं और आप पूरे साल के लिए सिक्योर हो जाते हैं। एक कुछ कुछ स्कूल्स में कोच भी रखे जाते हैं, जैसे कि मैं कलपक्कम में थी तो वहां पर एक कोच सर रखे गए थे टीजीटी में, और एक कोच सर रखे गए थे प्राइमरी में। आपका कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसी स्पोर्ट्स में, तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल उस पोस्ट पर कोई नहीं आता है, ठीक है। कोच की पोस्ट पर स्पेशली कोई नहीं आएगा। मैं फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोच की बात कर रही हूँ। आप बात करते हैं हम नर्स की। नर्स में भी अगर आप एक बार मतलब हो गया और आपका काम अच्छा है ना, तो फिर पूरे साल आपको कोई नहीं हटाएगा। अगर काम अच्छा है, देखिए काम अच्छा नहीं होगा
ये सभी के लिए है, ये हर पोस्ट की बात है। अगर काम अच्छा नहीं होगा तो आपको हटा करके दूसरा टीचर बुला लिया जाता है, बट अगर आपका काम बढ़िया चल रहा है तो इन पोस्ट पर कोई नहीं आता है, ये पोस्ट सिक्योर हो जाती है। ठीक है, आप पूरा साल इस पर आराम से काम कर सकते हैं, ऐसा डर नहीं होता कि कोई परमानेंट टीचर आ जाएगा, मुझे रिलीव कर दिया जाएगा, वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और एक काउंसलर की पोस्ट होती है, काउंसलर की भी पोस्ट अच्छी होती है, उसमें जो है कोई नहीं हटा पाएगा आपको अगर आपका काम बढ़िया है, और परमानेंट टीचर उसमें रिक्रूट नहीं होते हैं। तो कुछ ये पोस्ट हैं। हाँ, इसमें से जो नर्स की सैलरी है वो पर डे के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ 750 शायद, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, शायद 750 पर डे के अकॉर्डिंग मिलता है। तो और बाकियों की फिक्स सैलरी होती है। अब जो है आपकी चॉइस है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप जाके इंटरव्यू देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो ये कुछ पोस्ट मैंने ऐसी बताई हैं आपको, जिस पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप अपना काम ईमानदारी से बेसिकली कर रहे हैं, काम में कमी ना करें, काम ईमानदारी से करेंगे तो आप पूरे साल के लिए ठीक ठाक मतलब रहोगे, तो कोई रिप्लेस नहीं करेगा आपको, कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है इन पोस्ट पर। और जो है फिर हम बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स की, कॉन्ट्रेक्चुअल की, टीजीटी पीजीटी, है ना। देखिए, आप इसमें देते हैं इंटरव्यू तो ठीक है, आप ज्वाइन किए, बट ऐसा भी हो सकता है बीच सेशन जो है टीचर आ जाए, फिर आपको उसी दिन रिलीव होना पड़ेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैंने एज अ पीजीटी मैथ्स जो है ज्वाइन किया था और बहुत अच्छी सैलरी थी, नॉर्मल स्टेशन पे थी मैं। हाँ, मैं बता देती हूँ, प्राइमरी के लिए जो सैलरी होती है नॉर्मल स्टेशन पर वो 21,500 होती है, और जो है टीजीटी के लिए जो रहती है वो नॉर्मल स्टेशन की 26,500 होती है, और जो है पीजीटी के लिए 27,500 रहती है। अब हायर स्टेशन के लिए इसमें 5,000 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सैलरी स्केल रहता है। जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत खुश थी मैं, एक तो पीजीटी पढ़ाने को मिल रहा था जो मेरा बहुत मन था, और जो है बट बी सेशन ट्रांसफर आ गई। तो बहुत बुरा लगता है जब आप रिलीव हो रहे होते हो तो, बट क्या करें, यही कल्चर है, यही नियम है, जो आएगा तो आपको खाली तो करनी पड़ेगी सीट। बट मैंने उस टाइम का यूटिलाइजेशन किया, अपनी तैयारी जारी रखी, और जो है फिर देखिए मतलब जिस चीज़ के लिए उस समय मैं प्राइवेट स्कूल छोड़ कर आई थी, तो जिस चीज़ के लिए मैंने जो है प्राइवेट स्कूल भी छोड़ा कि नहीं मुझे तो भाई के वी का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर परमात्मा ने भी अच्छी सुनी और जो है मेहनत भी रंग लाई, और हम KVS में उस समय परमानेंट हो गए, क्योंकि पेपर दिया पेपर निकल गया, इंटरव्यू दिया इंटरव्यू हो गया, तो सिलेक्ट हो गए। तो अच्छा है, क्योंकि वो KVS वाले को प्रेफरेंस जरूर देते हैं अगर आपको वर्क कल्चर KVS का पता है तो। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी ऐसी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे, और जो है जल्दी से मुझे जो है बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। अगर किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी पूछना है, यू कैन टेक्स्ट टू मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन टेक्स्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड यू कैन टेक्स्ट टू मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। ठीक है, कुछ भी है तो आप जो है तीनों में से कहीं पर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए बट रिप्लाई तो मैं ज़रूर दूंगी। तो इसी के साथ आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और डिस्कशन में। अगली एक वीडियो मैं सोच रही हूँ बनाऊंगी, उसमें जो है कुछ क्वालिफिकेशंस, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं होनी चाहिए, जैसे कुछ लोगों को ना TGT मैथ्स को लेकर के, और TGT साइंस को लेकर के, और TGT SST को लेकर के, इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर के बहुत डाउट रहता है। तो मैं जो है अगली वीडियो इन्हीं तीनों क्वालिफिकेशंस पर बनाऊंगी कि इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको जो है कुछ मुझसे अच्छा ही मिला होगा कि हाँ मैडम ने कुछ अच्छा बताया। अगर अच्छा मिला हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।